अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ की वजह से हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज की रेसिपी है यमी बीफ पुलाव की। बहुत ही मज़े का बनता है ये पुलाव, बहुत ही सिंपल और इजी वे में इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम यखनी तैयार कर लेंगे। यखनी तैयार करने के लिए हमें चाहिए बीफ आधा किलो, या हड्डी वाला गोश्त है गाय का। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून सौंफ, एक मीडियम साइज़ की प्याज है इसको मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है, और साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में हमारे पास है 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के, 2 छोटी इलायची, 3 अदद लौंग, 2 टुकड़े दारचीनी के, 1 बड़ी इलायची और 2 तेज़पात। एक लीटर मैंने पानी लिया है, इसमें डालूंगी मैं आधा किलो गोश्त हड्डी वाला। इसमें डालूंगी साबुत गरम मसाले, सौंफ 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, मीडियम साइज़ की प्याज, नमक 1 टीस्पून। मीडियम फ्लेम पर इसको गोश्त गलने तक कुक करेंगे। गोश्त चेक करते हैं कि गल गया या नहीं। देखिए कितने अच्छे से गोश्त गल गया है। यखनी रेडी हो गई है, इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी। अब हम पुलाव रेडी करेंगे। पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप चावल, इनको मैंने सोक कर लिया है। ये बीफ है जो कि मैंने यखनी में से सेपरेट कर लिया है, और ये यखनी हमने जो तैयार की थी वो है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने स्लाइस कर लिया है। 1 कप दही, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। हमने सॉल्ट यखनी में भी यूज़ किया था, इसलिए हम इस वक्त सॉल्ट कम लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद लौंग, 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के, 2 टुकड़े दारचीनी के। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब हम साबुत गरम मसाला ग्राइंड कर लेंगे, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद लौंग, साबुत काली मिर्च, 2 टुकड़े दारचीनी के, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। देखिए कितने अच्छे से ग्राइंड हो गया है। बोल में लेंगे दही, इसमें डाल दूंगी मैं ये स्पाइसेस जो मैंने ग्राइंड किए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे।
अच्छे से मिक्स हो गया ये। इसमें ऐड कर दूंगी मैं सॉल्ट, पैन में लेंगे ऑयल, इसमें डालूंगी मैं प्याज स्लाइस हुए हुए, प्याज को फ्राई करेंगे। देखिए लाइट पिंक हो गए हैं प्याज। अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन, ताकि जब तक अदरक लहसुन इसके साथ भुने तो दोनों का कलर एक साथ ब्राउन हो जाए। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट, साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी बीफ। और अब इसमें ऐड करेंगे दही, और दही में जो मैंने तमाम स्पाइसेस वगैरह शामिल कर दिए थे। कवर करके इसको 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए, और बहुत अच्छे से दही का पानी भी खुश्क हो गया है। देखिए अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी यखनी, और इसको एक बॉयल आने का इंतजार करेंगे। जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा इसमें, तो फिर मैं चावल ऐड कर दूंगी। देखिए इसमें बॉयल आ गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल, कवर करके कुक करेंगे। देखिए पानी इसका खुश्क हो गया है। अब मैं इसको दम पे रखूंगी। अगर पुलाव बनाते वक्त आपको यखनी के अलावा भी पानी ऐड करना पड़े, चावलों में अगर कसर हो, तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। मेरे पास शुगर यखनी जितनी थी उसी में चावल कुक हो गए, इसलिए मैंने इसमें मज़ीद पानी ऐड नहीं किया। अब हम इसको दम पे रखेंगे। ये जो नोज़ल है यहाँ पे मैं ये टिश्यू पेपर लगा दूंगी ताकि एयर बाहर ना आए। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, और देखिए कितना खूबसूरत हमारा पुलाव रेडी हो गया है।
अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। कैसा खिला खिला चावल बनाए। फाइनल लुक हमारी आज की रेसिपी का, मज़ेदार बीफ पुलाव तैयार है। अंबर को भी बुलाते हैं कि वो आए और आके टेस्ट करें। ये शेफ जो है ये अंबर है, अपना फोक और स्पून लेकर बैठा रहता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। वाह, फाइनली मुझे खाने को मिलेगा पुलाव। मैं बिल्ली की तरह भाग रही थी किचन के इर्द गिर्द, खुशबू ने दीवाना किया हुआ था। यखनी की खुशबू, चावलों की खुशबू, और क्या प्रेजेंटेशन है यार। देखें गाइस, क्या प्रेजेंटेशन है, बहुत खूबसूरत। और ये तो टोमेटो रोज में तो परफेक्ट हो गई हो शुमाइला, थैंक परफेक्ट यू। होता है ना, परफेक्ट। बहुत अमेजिंग लग रहा है क्योंकि खुशबू, ओ फल्ला, किस कदर प्यारी खुशबू है, किस कदर प्यारी खुशबू है, थैंक मुझसे यू। बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलिए भाई, आपको टेस्ट करके बताते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। चले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आ गए चावल और ये बोटी लेते हैं हम। हाँ, पहले सादा खा के बताते हैं आपको कैसा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह, बहुत मजे का यार, थैंक यू। बहुत मजे का है। इतना टेंडर्ड गोश्त है, इतना टेंडर्ड, यूं ही देखो टूट रहा है, इतना मजे का है। एक एक रेशा अलग हो रहा है इसका, एक एक रेशा आराम से। और चावल कितना खिला खिला है, देखिए एक एक चावल खिला खिला है, कोई चावल बैठा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। बहुत यमी है, बहुत यमी है, बहुत थैंक यमी यू। है। मैं कहती हूँ, देख का पुलाव जो होता है ना, उसको भी तुमने पीछे छोड़ दिया। अरे इतना यार, थैंक यमी यू बना, सो मच, थैंक यू। बहुत यमी बना है, इतना यमी है, एक बाइट और लूंगी। घुल गया मुंह में, बहुत मजे का, बहुत 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 मजे का। थैंक माला यू अल्लाह सो तुम्हें मच, नजरे बस से बचाए आप। आमीन। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत यमी है, यकीन करें बहुत यमी है। यमी आज तीसरी दफा मार्स पे पहुंच जाएंगे आप, इतनी यमी है, बहुत यमी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय अल्लाह बाय। हाफिज़।